ये रेफ्रिजरेटर है। और रेफ्रिजरेटर हम क्यों यूज करते हैं? अपने खाने पीने वाली चीजें रखने के लिए, ठीक। और क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां ठीक रहे, चीजें खराब ना हो। तीसरा, जब हमें जरूरत हो हम उन रेफ्रिजरेटर में से चीजों को बाहर निकाल सके, ठीक। मैं वैसे रेफ्रिजरेटर नहीं पढ़ाने लगा, मैं ह्यूमन माइंड पढ़ाने लगा हूँ। मैं इसकी तुलना मेमोरी मॉडल से करने लगा हूँ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल से करना लगा हूँ। कि हम अगर हमने कोई, हमारे पास बेअंत डिफरेंट तरह की जैसे चीजें हैं यहाँ पर, ऐसे ही वैरायटी की हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज 1 2 3 4 5 6 7, ओके। यहाँ हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस ले रहे हैं, कितने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसेज हैं, ठीक। जैसे हम अपनी फ्रिज में चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, किसी ऑर्डर में रखते हैं, किसी अरेंजमेंट में रखते हैं, जैसे कि यहाँ वेजिटेबल्स हैं, यहाँ फ्रूट्स हैं, यहाँ पीने वाली चीजें हैं, ऐसे। तो अगर हम इस नॉलेज को अपने माइंड में ऐसे ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करेंगे, वहां स्टोर चीजें करते थे, यहां हम नॉलेज कर रहे हैं, स्टोर करेंगे। तो दूसरा, हम जो चीजें हमने नॉलेज रखी है, जैसे यहां पर जो खराब चीज अंदर कोई नहीं रखते, नेचुरली यहां पर हम नॉलेज खराब अंदर नहीं रखेंगे, सही वाली नॉलेज जब अंदर रखेंगे, तो हमें, हमारी कोशिश होगी वो कितनी देर तक रिटेन रहे, जैसे कि हम फ्रिज में चाहते हैं कि वो चीजें रिटेन रहे। और जब हमें फ्रिज में से 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद चीज चाहिए होती है, हम वहां से इजीली निकाल लेते हैं। तो यहां से भी हम इजीली, कहां गया अभी, ये वाला, ये लेते हैं, तो इजीली बाहर जब चाहिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकाल सके, जिसे हम रिकॉल या रिट्राइवल कहते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस इजी कैसे हो सकती है? कि हमारी एनर्जी भी बच जाए, टाइम भी बच जाए। ये रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइज्ड है, यहां से चीज निकालनी बड़ी आसान होगी। अगर मैंने यहां पर फ्रूट्स, सब्जीज और ये जो है पीने वाला सामान सब एक जगह ऑर्गेनाइज्ड अरेंज्ड फॉर्म में नहीं रखा है, तो मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि वहां से चीज ले आओ, जब मैं ही लेने जाता हूं, तो हो सकता है कि मैं दूध की जगह पर लस्सी ले आऊं, ठीक। तो ऐसे ही अगर आपने मेमोरी के अंदर अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड अरेंज फॉर्म में रखे हैं अपनी नॉलेज, तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। हमने यहां लर्निंग थ्योरीज है, सॉरी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम ऐसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखें कि हमारी जो थ्योरीज हैं, जब चाहे आप पीटेट में, सीटेट में, किसी स्टेट टेट में, यूजीसी नेट में, साइकोलॉजी का एग्जाम देना है, कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखना है, तो इजीली वो बाहर आ सके। हम अपनी मेमोरी को थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसका तरीका है, हमें ये चीजें चाहिए, मटेरियल, वहां पर मटेरियल फ्रेश चाहिए था आपको, यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है? नंबर एक, नोटबुक और एक पेन चाहिए हर हालत में। जैसे आप ये वीडियो देखने लगे हो, अपने पास मेरा सुजेशन है कि पेन और जो नोटबुक है, कॉपी है, लेके रखिए, ठीक है, एक पेज भी ले सकते हो। दूसरा, आपको अपने लर्निंग स्टाइल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वाक परसेप्शन बेस्ड लर्निंग स्टाइल्स है, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। विजुअल आगे वर्बल एंड नॉन वर्बल में डिवाइड होता है, ठीक है। अभी तक आपको ब्लड टेस्ट कराया होगा, आपका ये पता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरे ख्याल में आपको अपना लर्निंग स्टाइल नहीं पता होगा। अगर आपका नॉन वर्बल लर्निंग स्टाइल है, इट मींस आप नॉन वर्बल स्टाइल में अपने अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा रख सकते हो, अगर वर्बल है तो आप नेचुरली जो वर्बल स्टाइल में रीड करके, राइट करके रख सकते हो, ठीक। एक्टिविटीज क्या होंगी? अच्छी तरह जैसे रेफ्रिजरेटर ऑर्गेनाइज था, एक तो आपने खुद लिखना है, आप जो मैं अब ये करने जा रहा हूं, आपने खुद लिखना है। दूसरा, साथ में थिंक अलाउड करना है, स्पीक अलाउड करना है, थोड़ा आवाज आनी चाहिए, इतना नहीं, बहुत ऊंची नहीं बोलना, मतलब आवाज जितनी ज्यादा आएगी उतना मेमोरी के इंप्रेशन पक्के रिटेन रहेगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा, इस एक्सरसाइज को 1 2 3 बार अपनी जो
आपकी एबिलिटी के मुताबिक इसको रिपीट करना होगा। सबसे पहले हम लोग पर लिखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। वैसे तो ब्रॉडली ज्यादा ब्रॉड डिविजन है, यहाँ आपके सरफेस लेवल पर की लर्निंग है। हम इसे दो भागों में बांट रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को, फैक्टर थ्योरीज एंड कॉग्निटिव थ्योरीज। फैक्टर थ्योरी को एबिलिटी थ्योरी भी कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले जैसे ओल्डेस्ट थ्योरी है वो भी आपने लिखनी है तो पीछे लिख सकते हो फैकल्टी थ्योरी। फैकल्टी थ्योरी क्या मानती है कि रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, ये माइंड की फैकल्टी है, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज हैं, तो एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज करके इनको डेवलप किया जा सकता है, ठीक। लेकिन हम थ्योरी को लर्न करने के लिए आगे जा रहे हैं इस पेज से आगे। ये इस डायग्राम के अंडर आप यहां भी लिख सकते हो, लेकिन मैं स्पेस बचाने के लिए नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूं जहां अपनी मेन एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। पहला तरीका वर्बल लर्निंग स्टाइल वालों के लिए क्या है, सबसे पहले ऊपर अपने फैक्टर्स लिख लेने हैं। फिर मैंने एक ऑर्डर किया हुआ है कि सबसे पहले कितने फैक्टर वाली थ्योरी आई, एक वाली आई जी, फिर क्या हो गया दो वाली आई जी, फिर क्या हो गया सेवन वाली आई जी, जो बाद में एट भी हो गए या नाइन भी हो गए, ठीक है। फिर कौन से वाली आई जी, फिर 120 वाली आई जी, ठीक है, 120 वाली भी बाद में 150 और 180 तक, ये उनकी डेवलपमेंट थ्योरी की, आपने 120 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जी अनलिमिटेड मैनी फैक्टर, ठीक। मैनी फैक्टर के बाद एक थ्योरी आई जिसने सारे ऊपर वाले कंबाइन कर दिए। अब इसको लर्न करते हैं, ऐसे आपने पहले लिख दिया, रिपीट कर सकते हो यहां पर, 1, 2, 7, 120 और मैनी। अगर आपको इससे ट्रबल लगती है ये लिखने से, आप यहाँ 7 लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, 120 लिख सकते हो, 150 लिख सकते हो, 180 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन थ्योरी की एबिलिटी की बाद में डेवलपमेंट हुई थी कि इनके फैक्टर 7 से 8 से 9 हो गए, से 120 से 50 से 180 हो गए थे। अब मैंने दूसरा हेडिंग एक और दिया है लर्न करने के लिए, ये भी ऐड कर सकते हो, वो है जी छोटी एस जी एस, ठीक है। ये हो गया एम फॉर मैनी, सी फॉर, ठीक है, जी एस जी एस एम सी, ठीक, इस ऑर्डर में रखना है। फिर इसका तीसरा इसका क्या रखा कि साइन कोई या सिंबल, एस आई जी एन, जहां यहां सिंबल भी आप लिख सकते हो। अच्छा, पहले का साइन क्या था, ये रखा सिर्फ सर्कल जी, कि एक ऐसी जनरल एबिलिटी, कॉमन सेंस, जो सब तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे देखिए, ऐसे मैं कर रहा हूं, आप ऐसे बोल के भी करोगे तो किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल वालों को ज्यादा रिटेन होगी इंफॉर्मेशन। दूसरा कि ये रहा जनरल फैक्टर, ऊपर वाले का उठा लिया, और ये रहे छोटे छोटे एस फैक्टर, ठीक है। यहां लिख लिया आपने जी जी छोटा, और यहां लिख लिया S1, S2, S3, ठीक है, S3, और इसके बाद आ गया जी बड़ा है, ये जी छोटा है, ये जी बड़ा है, क्यों, यहां पर हम करेंगे ग्रुप फैक्टर, उसका डिजाइन कैसे बनाएंगे, यहां पर वो कम है, यहां पर लिख लिया इंटेलिजेंस, और ये रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 7 रखने हैं 7 रख सकते हो, 9 करने हैं तो 9 कर सकते हो, 8 करने हैं 8 कर सकते हो। ये हो गए जी जो ग्रुप 9 या 7 ग्रुप्स, ठीक है। ये डिजाइन नॉन वर्बल जिनका स्टाइल है उनको ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। अब जो है 120, ए एस से क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर, यहां डिजाइन क्या बनाना है हमने, ये रहा, चलो कलर बदल लेते हैं, थोड़ा डिस्टिंक्शन मिलेगी, ओके, तो ये रहा, ओके, ये बन गया मेरा क्यूब। अपनी ड्राइंग की फिक्र नहीं करनी, बस ये है कि आपके माइंड में ये स्टोर हो जाना है, ठीक। ये क्यूब याद आ गया, ये क्यूब क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक। और मैनी फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये रख लें, ब्लैक वाला ले लेते हैं। मैनी के लिए एक मैंने सर्कल लगाया, उसमें कितने डॉट, मैनी डॉट, जितने मर्जी, ये थॉर्नडाइक की, ठीक है। और कंबाइन के लिए एक हायरार्की बना ली, जैसे एक ये है
उसके ये फैक्टर दो तीन आ गए, उसके सब फैक्टर आ गए, सब फैक्टर आ गए, सब फैक्टर आ गए, एक हायरार्की बन गई। लास्ट में छोटे 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 छोटे, ठीक, हायरार्की बन गई। हायरार्की का शेप क्या होती है, वो शेप यहां लिख लेंगे, ऐसी शेप है इसकी, ऐसी ऐसी, ठीक। अब ये नॉन वर्बल वालों का आ गया, आपने ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि थ्योरी का नेम लिखना है, थ्योरी का नेम इससे ही जनरेट करेंगे, हमारा ग्राफ होगा। ये देखिए, ये वन था वन फैक्टर, ये सिंपल हो गया वन फैक्टर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ये जी एंड एस, दो टू फैक्टर है, ये टू फैक्टर थ्योरी आ गया। आगे आपके ये सेवन एट या नाइन जिसको भी देना है, लेकिन जी से यहां पर क्या है, ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, ओके। ये 120 या 150 या 180, ये एस को ही उठाना है, स्ट्रक्चर ये डिजाइन याद रख के याद रखना है, ये कोई स्ट्रक्चर है, क्यूब का स्ट्रक्चर, इससे बना लेना है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल सोई, ठीक है। एम मैनी फैक्टर थे, ये मल्टी फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ठीक है, फैक्टर पूरा लिख लेना है आपने, ऐसे बोल के लिखना है। ये कंबाइन कर दिया, क्या 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 था ये शेप, ये वाली थी, ये वाली शेप हायरार्की की है, ठीक है। तो इसको उल्टा कर लो, ये बन गया वी, वी से चलो वर्णन, और ये क्या है, हायरार्की, हायरार्की वर्णन, हायरार्कीकल थ्योरी, ओके। अब ये देखना है कि इसके कोई और नाम भी है, जैसे वन का यूनिक फैक्टर, सिंगल फैक्टर, और यूनिटरी फैक्टर, और मोनार्किक, मोनार्किक, क्योंकि एक नेम से मोनार्किक आ गया, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, तो आपने बाद में सारे नेम ब्रैकेट में लिख लेने हैं, ठीक। टू फैक्टर का टू फैक्टरी कहते हैं, ग्रुप फैक्टर को यस कहते हैं, जो प्राइमरी सेवन और जहां एट या नाइन प्राइमरी मेंटल अबिलिटीज, बाद में इनको लिख लेना है, आपने याद इससे रखना है, सेफ यहां से हो, ये बाद में राइट करने हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट को स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं, मल्टी फैक्टर को अनार्किक भी कहते हैं, अनार्किक, ओके। ये मोनार्किक, ये हो गई अनार्किक, और लास्ट में एच तो है ही है, वर्णन्स हायरार्किकल थ्योरी। अब इनमें से ही हमने कोशिश करनी है कि थ्योरिस्ट का नाम भी निकाल रहे। जी जो सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है, तो वो सबसे पहले जो पापा है इंटेलिजेंस टेस्ट के, सबसे पहले जो बनाया है इंटेलिजेंस के, इन्होंने बनाया है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक बिनेट और टर्मन, टर्मन ये पापा फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम पहले लिख लिया। दूसरा आ गया हमारी एस, एस से जी और एस थी, और ये हो गया स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। जब आपने ये लिखना है तो आप एस को ऐसे गोला लगा के यहां पर यहां ला सकते हो, तो मेमोरी में स्टोर अच्छी तरह से हो जाता है। ये हो गया ग्रुप फैक्टर, जो था प्राइमरी मेंटल अबिलिटी, यहां अबिलिटी टी लिख लो। अब टी से आपने उठाया, यहां आपने कहा कि ये हो गया थरस टोन, टोन थरस टोन, थस टोन, बस ठीक। और इसके बाद इनका मेरे से कुछ नहीं बन रहा, इसको छोड़ रहे हैं। ये हो गया मैन्युफैक्चरर मल्टी, ये भी टी इसकी इनकी उठाई, और ये क्योंकि थॉर्नडाइक की ई एल थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक अगर नहीं याद रहता तो मल्टी से, क्योंकि मल्टी फैक्टर इनकी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, यहां ट्रायल एंड एरर थ्योरी प्लस कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर, ठीक, ट्रायल एंड एरर से थॉर्नडाइक याद आ जाएंगे, ठीक। ये ऑलरेडी हो चुका है कि जिन्होंने सभी थ्योरीज को कंबाइन किया है, किस किस थ्योरी को, जी का ये लगा दिया, ये वाला, ठीक है। इन ये हर थ्योरी को नेक्स्ट डिटेल में याद रखने के लिए मैं डिफरेंट नेक्स्ट वीडियो बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि लंबा नहीं बनाना। तो ये हो गया जी फैक्टर, और ये उठा लिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के, ये उठा लिए, और फिर बाद में ये नैरो ग्रुप फैक्टर, और बाद में थॉर्नडाइक स्पेसिफिक फैक्टर, इससे इनको चार थ्योरी को मिलाकर ये बनती है, ये हम जोड़ रहे हैं, ठीक। और थोड़ा ये सच भी है।
तो ये जो इनकी बन रही है ऐसे हिरार्की की शेप याद रखनी है, इस शेप को उल्टा कर देना है, उल्टा से वी हो गया, वी कर वर्णन, वर्णन, ठीक है, ये हरारकी है, वर्णन की हरारकी हो गई। तो ऐसे आपने क्या करना है कि इनको इनको एक बार लिखना है। अगर आप इसको दूसरे पेज पर फिर दोबारा एक बार लिख लो, जैसे बोल बोल के लिखा है, जैसे ये लाइन लगाई है, जहां से अगर इनकी टी उठाई है तो टी को यहां पर ऐसे करना है, यहां की टी उठाई है तो यहां पर ऐसे करना है, अगर टी की एल साथ आ रही है तो आप कर सकते हो टी एल मीन लर्निंग थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की, जहां ट्रायल एंड एरर, ठीक, साथ में किसी और शब्द को खुद भी जोड़ सकते हो, ठीक। तो इसको एक बार ऐसे डायग्राम जो यहां लाइन बनती है आप वैसे लगा लीजिए, एक दो दिन छोड़ के फिर उसी कॉपी पर एक बार लिख लीजिए या दूसरे दिन लिख लीजिए, उसके बाद आपने सिर्फ उसको एक आध बार एग्जाम से पहले देखना है। तो ये हो ही नहीं सकता आपको भूल जाए। अगर आपने डिटेल इसकी देनी है तो देखिए आपके पास नेम भी आ गया, मेन वर्ड भी आ गया, साइन है, इससे थ्योरी आप एक्सप्लेन करोगे, इनको कैसे आगे एलैबोरेट करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए, इसके लिए। हाँ, ये जो रह गई ये आप ऐसे कह देना कि जो गिलफर्ड है इसको ऑल कलर से लिख देते हैं, ब्लैक से, भी जो गिलाफोर्ड है ये तो ट्रैक्टर ही है पूरा, ये भूल जाता है, ट्रैक्टर जैसे स्ट्रक्चर जैसे है ना, ट्रैक्टर जैसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ट्रैक्टर बनाया, अपने बना लो कुछ ऐसा। तो ये गिलफर्ड नहीं मुझे याद रह रहा कि इससे रिलेटेड है, बाकी याद हो गया, जब ये कहोगे कि ये नहीं याद तो गिलफर्ड भी याद हो जाएगा, ठीक। तो और तरह तरह से भी एसोसिएट कर सकते हो, और इस तरह से आप देखना कि इससे आप लर्निंग थ्योरीज जो इंटेलिजेंस की है, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं जहां आपने साइकोलॉजी किसी के एग्जाम में लिखना है तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। शुरू में मेहनत जरूर है, आपने राइट भी करना है, बोलना भी है, और हो सके तो आप पेन को डिफरेंट तरह के पेन को भी यूज कर सकते हो, ठीक। एक कॉपी इसके लिए लगा लीजिए और आपकी लर्निंग थ्योरी आधी से तैयार हो गई। कॉग्निटिव थ्योरी का डिफरेंट बना दूंगा, और हर थ्योरी का जो डिफिकल्ट है, जैसे ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, ठीक है, और इसका ये डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। अब मान लीजिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ये आया, हु गेव हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, आपने हायरार्की याद की कि हायरार्की की शेप ऐसे है, सॉरी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 है ना, थोड़ा याद ही करना है, बनानी ही है, बना के तो ये ट्राई होगी। अच्छा, ये शेप ऐसे है और ऑथर का नाम ऐसे है, वर्णन से है, वर्ण वी वाला जो ऑप्शन है आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए इसकी जगह पर आपको आ गई थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी, कौन सी है, ठीक है, पिछले पेपर में आया भी था, उसमें आप क्या करोगे, टू फैक्टर, अच्छा एक जी, इमेज याद कर लिया आपने, इमेज इमेज एकदम याद आई, जी और एस, अच्छा एस से था स्पीयरमैन, ऐसे आपको याद आएगा, जैसे रेफ्रिजरेटर में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा था आपने, ऐसे रखा था, ठीक है। मान लीजिए इसकी जगह पर आपको आ गई कोई और थ्योरी, ग्रुप फैक्टर आ गई, ठीक है, ग्रुप फैक्टर आ गई, ग्रुप फैक्टर में आपने क्या किया कि आपने एकदम ये इमेज याद की, ये वाली के ये इमेज याद आ गई, और ग्रुप फैक्टर, अच्छा ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, अच्छा टी से मैंने थर्स्टोन, अगर आर नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, थर्स्टोन ऐसे याद आ जाएगा। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज कीजिए, आप उस पेज के साथ बार बार किसी थ्योरी को डाल के पेज पर दोबारा दोबारा एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आपके ये सारे क्वेश्चन एक बार पक्के हो गए, उसके बाद दोबारा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। तो आप प्लीज इसे जो शुरू में बताया है कि पेन से, पेपर से, और रीड करना है, बोलना है, ठीक है, रिपीट करना है दो तीन बार, तो ये पक्का हो जाएगा। थैंक यू।